अब बात मधुमक्खी के परिवार की। इनके परिवार में कुल 3 सदस्य होते हैं। परिवार की मुखिया रानी मधुमक्खी के अलावा श्रमिक और ड्रोन मधुमक्खी भी परिवार का अभिन्न सदस्य होती हैं। मधुमक्खियों के एक मौन गृह यानी एक परिवार में औसतन 40 से 80 हजार मधुमक्खियां होती हैं, जिनमें से एक रानी मधुमक्खी और 100 नर, जिसे ड्रोन्स भी कहा जाता है, और बाकी मादा यानी कि श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, जो परिवार के सदस्यों की संख्या में 95% से भी ज्यादा होती हैं। सबसे पहले बात रानी मधुमक्खी की। प्रत्येक कॉलोनी में एक ही रानी पाई जाती है, जिसका सिर्फ एक ही काम अंडे देना है, इसलिए इसे अंडे देने की मशीन के नाम से भी जाना जाता है। यह हमेशा निषेचित अंडे से ही उत्पन्न होती है। रानी का जीवन काल लगभग 2 से 3 वर्षों का होता है। यह सुनहरे रंग और लंबाई 15 से 20 मिलीमीटर की होती है। इसका उदर पीछे की ओर ढालू और नोकदार तथा पंख छोटे होते हैं, जो शरीर के पिछले भाग को नहीं ढक पाते हैं। यह 2 प्रकार के निषेचित और अनिषेचित अंडे देती हैं। अंडे से युवा रानी विकसित होने में लगभग 15 से 16 दिन लगते हैं। रानी मधुमक्खी के जिस लार्वा से रानी का जन्म होता है, उसे हमेशा रॉयल अवलेह खाने को मिलता है। इटालियन की रानी अनुकूल समय में प्रतिदिन औसतन 1500 से 1800 अंडे और देशी मधुमक्खी की रानी प्रतिदिन लगभग 500 से 800 अंडे देती है। नर मधुमक्खी। यह रानी से छोटी और श्रमिक से आकार में बड़ी होती है, जो लगभग 15 से 17 मिलीमीटर लंबी होती है और मोटाई भी अधिक होती है। रानी की तरह इनमें भी मोम ग्रंथियां, पराग टोकरी और डंक नहीं होता है। इसका उदर काला, गोल अथवा आयताकार होता है। नर की आंखें बड़ी और सिर के ऊपर सटी होती है। इनकी औसत आयु करीब 60 दिन की होती है। ये प्रजनन काल में बहुतायत में होते हैं। इनके जीवन में सिर्फ एक ही काम है, रानी के साथ संभोग करना, और संभोग के तुरंत बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं श्रमिक मधुमक्खी के बारे में। यह अपूर्ण मादा होती है, जिनका जन्म निषेचित अंडों से होता है। लार्वा बनने के बाद सिर्फ 3 दिन तक इन्हें राजावलेह युक्त भोजन खिलाया जाता है। उसके बाद ये पराग रोटी का सेवन करती हैं। इनके पंख बड़े होते हैं, जो शरीर के पिछले भाग को पीछे से ढके हुए होते हैं। इनका उदर पीछे से रानी की अपेक्षा कम नुकीला होता है। उदर के अंतिम भाग में पूर्ण विकसित डंक होता है, जिसका प्रयोग स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये करती हैं। इनकी पिछली टांगों में पराग एकत्रित करने के लिए पराग टोकरी भी होती हैं। इनके जननांग पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, जिससे ये अंडे देने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन ये रानी की अनुपस्थिति में अंडे देना प्रारंभ कर देती हैं, जिनसे केवल नर ही उत्पन्न होते हैं, जो सामान्य नर से छोटे और पतले होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी के उदर के निचली सतह पर मोम ग्रंथियां होती हैं, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर मोम का स्राव करती हैं। इस मोम का उपयोग मधुमक्खियां छत्ता बनाने के काम में लाती हैं। एक मधुमक्खी वंश में कुल मादा मधुमक्खियों की संख्या 95% से भी अधिक होती है। इनकी आयु 40 से 45 दिन की होती है। यह आयु के अनुसार कार्य संपन्न करती है। श्रमिक मधुमक्खियां ही मौन गृह का सारा काम, जैसे तलपट की सफाई, शिशुओं को भोजन कराना, शत्रुओं से रक्षा करना, रॉयल जेली स्रवित करना, मोम उत्पादन करना, छत्ता बनाना, प्रवेश द्वार पर चौकीदारी करना, भोजन के स्रोतों की खोज करना, बाहर से मकरंद यानी पुष्परस, पानी,
गोंद और पराग का इकट्ठा करना होता है।